ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको महाशिवरात्रि से संबंधित जानकारी दूंगा। महाशिवरात्रि पर कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो, साथ ही शिवरात्रि से पहले या शिवरात्रि के दिन हम कौन कौन सी चीजें घर में ला करके रखें जिससे भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। दोस्तों, साल का सबसे बड़ा दिन होता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव को गंगा जल अर्पण करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, शिवाय नमस्तुभ्यम नम मंत्र का जाप करते हैं, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाधीमहे तन्नो रुद्र प्रचोदयात मंत्र का जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, रुद्र अभिषेक कराते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान शिव भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। वही शिवरात्रि के दिन घर में आपको कुछ चीजें ला करके जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहला है पारद शिवलिंग। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन या शिवरात्रि से पहले घर के अंदर पारद शिवलिंग ला करके जरूर रखना चाहिए। इसका शास्त्रों में विशेष महत्व तो मिलता है। जो व्यक्ति पारद शिवलिंग ला करके रखते हैं और पारद शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है पारद शिवलिंग। जिसके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, शरीर में कोई परेशानी है, घर में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, तो उनको पारद शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को पारद शिवलिंग ला करके रख उसका अभिषेक करना चाहिए। उस जल को पान करना चाहिए और घर में भी वह जल छिड़कना चाहिए जो अभिषेक का जल है। दूसरी जो चीज है वह है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला बहुत ही शुभ मानी जाती है, साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है। आप एक रुद्राक्ष की माला ला करके रखें, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला छोटे बीजों की ला करके रख लें और इस माला को शिवलिंग पर पहनाएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं अभिषेक के समय, और फिर इस माला से आप जो है प्रतिदिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। यह माला सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद में इसे घर में संभाल करके रखें। किसी के शरीर में ऊपरी व्याधा है, किसी के कार्यों में रुकावट आ रही है, आप कार्य के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसको अपने पास रखिए। आप पहन भी सकते हैं या अपने पास रखिए, आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। जिस घर में यह माला रखी जाती है वहां पर साक्षात भोलेनाथ का वास माना जाता है। तीसरी जो चीज है वह है त्रिशूल। भगवान का शक्ति स्वरूप त्रिशूल, त्रिशूल घर में ला करके जरूर रखना चाहिए। जिस घर में भगवान का त्रिशूल रखा हो, भोलेनाथ का त्रिशूल रखा हो प्रसादी के रूप में, वहां पर साक्षात भोलेनाथ का महाकाल का वास माना जाता है। वहां पर उस घर से अशुभ शक्तियां भाग जाती हैं। बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनमें व्यक्ति रहता अच्छी खासी तरक्की करता है, लेकिन बहुत से ऐसे घर होते हैं जिसमें कोई ना कोई रोग लगा रहता है, पति पत्नी में या परिवार में कलेश चलता है, घर में उन्नति नहीं हो पाती, अनेक प्रकार की परेशानी आ जाती हैं, तो आपको त्रिशूल ला करके जरूर रखना चाहिए। पहले आप त्रिशूल लाएं, उसे मंदिर में चढ़ाएं शिव जी के सामने, वह दीपक जला करके ओम नमः शिवाय का पाठ करें, उसके बाद में वह त्रिशूल मांग करके लेकर के आए प्रसाद के रूप में, और इसे आप अपने घर में रखिए, फिर देखना कितना ज्यादा प्रभाव आपको दिखाई देगा। अगली जो चीज है वह है भस्मी। भस्मी का विशेष महत्व है। आप भस्मी अपने हाथ से बना लें, गाय का उपला लाएं, उसे जलाएं, जला करके उसमें सफेद चंदन मिला दें। अब इसको बारीक पीस लीजिए, बिल्कुल मी पीस लीजिए, कपड़े से छान लीजिए और इसमें आप थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए इसे जो है, और फिर इसको डिब्बी में भर के रख लीजिए। अब आपको भगवान शिव जी की जो टीका है इसी से करना है, भस्मी से करना है, आपको भस्मी से टीका करना है, और इस भस्मी को घर में ला करके रखे, इसे टीका लगाएं, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत के अभिषेक के बाद में फिर गंगा जल से और फिर शुद्ध जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद में भगवान शिव जी को भस्मी, चावल, फल, फूल माला, बेलपत्र, भांग, धतूरे आदि चीजें जो है सभी चीजें अर्पण करें। व्रत का संकल्प करना चाहिए, भगवान के सामने प्रार्थना करें कि प्रभु हम नादान हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम पूरी श्रद्धा के साथ में यह व्रत कर रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
ध्यान रखना है कि 5 महीने से ज्यादा जिनका गर्भ हो, गर्भवती महिलाओं को शिव जी की पूजा नहीं करनी है, उससे पहले आप कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो महिलाएं बीमार चल रही हैं, जिनके शरीर में कोई ना कोई परेशानी है, काफी समय से वो स्नान नहीं कर पा रही, तो उनको भी शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस अगर उस दिन स्नान कर लें तब तो आप कर सकते हैं। अगर असमर्थ हैं, कोई परेशानी है, तो आप जो है अपने पति के हाथ से पूजा करवा सकते हैं। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। आप जितनी बस की उतना गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं। इस दिन गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन गौ माता का पूजन करते हैं, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब आप भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हो, तो उससे पहले आपको नंदीश्वर की पूजा करनी है, नंदी देव की पूजा करनी है। उनको आपको हरा चारा खिलाना चाहिए, उनके कान में आप अपनी मनोकामना बोले, क्योंकि ये पहरेदार हैं, आपकी सीधी बात शिव जी तक यही पहुंचाएंगे सबसे पहले। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा करते समय विशेष रूपों का ध्यान रखना चाहिए। आपको बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तो बेलपत्र आपको चिकने वाले हिस्से पर ही जो है शिवलिंग से टच टच कराना है, और अच्छी तरह गंगा जल से बेलपत्र को पहले धो लेना है। आपको दूध चढ़ाए तो दूध पात्र में रख करके चढ़ाए, यानी कि थैली लाए और थैली से ही आपने दूध चढ़ा दिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगली जो चीजें जो घर में आपको ला करके रखनी है, वह शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप घर में ला करके रखें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ धतूरे का फल 41 दिन तक आप अपने घर में रखें, यह बेहद ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर दें। शिवरात्रि के दिन आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, उनका बहुत ज्यादा फल आपको मिलने वाला है। इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। 4 पहर की पूजा की जाती है। 4 पहर की पूजा ना कर सकें तो 1 पहर की पूजा आप जरूर करें। इस दिन बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। शिवरात्रि वाले दिन घर के मेन दरवाजे पर आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाने चाहिए। घर के अंदर पूरे घर में आपको शिवलिंग का चढ़ा हुआ जो जल है वह छिड़कना चाहिए। यह व्याधि शुभ माना जाता है। इससे सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव के सामने शाम के समय चौमुखी दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे भी आप चौमुखी दीपक जलाकर के परिक्रमा करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन भांग का प्रसाद बना करके भगवान शिव को अर्पण करनी चाहिए, अपनी मनोकामना बोल करके। शिवरात्रि के दिन 11, 31, 51 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण करने चाहिए, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबा दें, मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। व्रत त्योहार उपाय कथा से रिलेटेड, संतान प्राप्ति से रिलेटेड, धन प्राप्ति से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। ओम नमः शिवाय।